नमस्कार, आपका स्वागत है सुरात राजस्थान में। अगले आधे घंटे हमको आपको दिखाएंगे राजस्थान से जुड़ी सारी बड़ी खबरें, लेकिन सबसे पहले एक नज़र हेडलाइंस पर। राजस्थान सरकार ने सुशील मोदी के आरोपों को बताया गलत, कहा छात्रों की वापसी के लिए नहीं मांगा एक भी रुपया। गरीबों को आर्थिक मदद को लेकर तेज हुआ कांग्रेस का अभियान, कल से सोशल मीडिया कैंपेन का आगाज, सीएम गहलोत ने भी बताई जरूरत। कोरोना के नए 144 केस सामने, झालावाड़ में 64 केस दिखे, सरकार का दावा चाक चौबंद है इंतजाम। राजस्थान में जारी है भीषण गर्मी का दौर, आज भी चुरू में पारा 50 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचा। राजस्थान सरकार ने बिहार सरकार के उन आरोपों को गलत बताया है जिसके मुताबिक राजस्थान सरकार ने 1 करोड़ रुपए जमा करने के बाद ही बिहार के छात्रों की ट्रेन खुलने दी है। परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा कि बिहार के डिप्टी सीएम झूठ बोल रहे हैं और राजस्थान सरकार ने बिहार सरकार से 1 रुपया भी नहीं मांगा है। उन्होंने सुशील मोदी पर गलत राजनीति करने का आरोप लगाया है। मंत्री प्रताप सिंह ने कहा कि बिहार में जल्द चुनाव है, ऐसे में वो राजनीति करने में लगे हैं। इन आरोपों का किस तरह खंडन कर रही है राजस्थान सरकार, सुनते हैं परिवहन मंत्री खाचरियावास से। दुख इस बात का है कि इस संकट की घड़ी में राजनीति नहीं करनी चाहिए। बिहार में चुनाव आ गए, चुनाव से डर वाजिब है, लेकिन चुनाव मुद्दों पर और अपने काम पर लड़ा जाता है। आपको खुद को आने वाले चुनाव में अपनी फेस सेविंग करनी है और उस फेस सेविंग में अपना बचाव करने के लिए, एक मुद्दा बनाने के लिए आपने ये काम किया। आज आपको याद कैसे आ गई है? चुनाव आ रहे हैं इसलिए आप उस वक्त क्यों नहीं बोले? हम तो बच्चों को भेजने के लिए तैयार थे, लेकिन आपने ये कहा हम हमारे खर्चे पर बच्चों को लेकर जाएंगे और आपने एहसान नहीं किया है। मोदी जी को मैं बता देना चाहता हूं कि आपके मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और आपकी सरकार छात्रों को और मजदूरों को लेने के लिए तैयार ही नहीं थी। पहली सरकार थी देश में जब भारत सरकार का भी विरोध कर रहे थे आप। राज्यों की सरकारें सब छात्रों को ले रही थी, मजदूरों को ले रही थी, लेने जा रही थी, सब अपना काम कर रहे थे। तब आपने साफ मना कर दिया कि हम मजदूरों को छात्रों को नहीं लेंगे। कोटा के छात्रों ने आंदोलन कर दिया आपके खिलाफ, मजदूरों ने आपके खिलाफ आंदोलन कर दिया। आप उस आंदोलन से डर गए और डर कर बाद में आपको आपके मुख्यमंत्री जी को ये बयान डालना पड़ा। इस पूरे मुद्दे पर बात करने के लिए राजस्थान के परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास हमारे साथ जुड़ गए फोन लाइन पर। प्रताप सिंह जी, आपका स्वागत है सुरात राजस्थान में। बिहार के जो डिप्टी सीएम हैं, उन्होंने आरोप लगाया है कि राजस्थान सरकार ने 1 करोड़ रुपए जमा करने के बाद ही छात्रों को ले जाने वाली ट्रेनें खुलने दी है, जिनका आपने खंडन किया है। आखिर किस तरह की राजनीति इन बयानों के पीछे आपको दिखाई दे रही है? देखिए, एक बात आप समझ लीजिए कि रेल मंत्रालय तो हमारे अंडर में नहीं आता है। मैं सुशील मोदी जी जो बिहार के डिप्टी चीफ मिनिस्टर, उनसे कहूंगा, वो बड़े एक्सपीरियंस नेता हैं और सीनियर लीडर हैं, उनको इस तरह की बात इसलिए नहीं करनी चाहिए। बिहार में चुनाव आ रहे हैं, लेकिन सिर्फ चुनाव को लेकर इस तरह का झूठ बोलना ये अच्छा नहीं है राजनीति में। इससे राजनीति भी बदनाम होती है और खुद की भी कोई पेट बहुत अच्छी नहीं बनती। जबलपुर मंडल में उन्होंने इन ट्रेनों का पैसा जमा कराया, रेल मंत्रालय में जमा कराया। मैं पीयूष गोयल जी को पत्र भी लिखूंगा और कहूंगा कि जो बच्चों के लिए पैसे रेल मंत्रालय में इन्होंने, नीतीश कुमार जी की सरकार ने बिहार में दी, उनको वापस लौटा। बेवजह राजस्थान सरकार पर चार्ज लगा रहे हैं। ये सब चार्ज इसलिए लगाए क्योंकि जैसे ही कांग्रेस की बसों की बात आई, उत्तर प्रदेश में प्रियंका गांधी जी बसें ले गई, योगी आदित्यनाथ जी ने झूठ बोला कि मैं अनुमति दे दूंगा, दी नहीं, उसके बाद ये सारा झंझट शुरू हुआ। अब वो नया मुद्दा लेकर आए स्टूडेंट का, जहां तक मामला बिहार के स्टूडेंट कोटा में पढ़ते हैं, उन्होंने आंदोलन किया, क्योंकि नीतीश कुमार जी और उनकी सरकार ने साफ मना कर दिया स्टूडेंट को और मजदूरों को, हम बिहार में नहीं लेंगे, हमारे यहाँ कोरोना फैल जाएगा। अशोक गहलोत जी ने रिक्वेस्ट की, राजस्थान की सरकार ने रिक्वेस्ट की, आप बच्चों को ले लीजिए, बच्चे बहुत ज्यादा डिमांड कर रहे हैं, आंदोलन हो रहा है कोटा में, बच्चे बहुत नाराज हैं। वो पहले अपने बच्चों को ले नहीं रहे थे, बाद में जब हमने कहा कि आप नहीं ले रहे, हम हमारी तरफ से भेज देते हैं हमारे साधन से, बोले नहीं 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 साधन आपका नहीं होगा, साधन तो हमारा ही होगा, क्योंकि हमारे बच्चों को हम अपने आप लेकर गए। उन्होंने ट्रेनें बुक की बिहार में, ट्रेनें बुक करके भेजी, जैसे हम राजस्थान के प्रवासी राजस्थानियों को लेने जाते हैं, हमारी तरफ से ट्रेन बुक करते हैं, हमारा पैसा जमा कराते हैं। उन्होंने ट्रेनें बुक की और रेल मंत्रालय पैसे जमा कराए, उनको इतनी तकलीफ हो रही है, रेल मंत्रालय से पैसे वापस ले ले,
प्रताप सिंह जी, जिस तरह से आपने जिक्र किया कि पहले बिहार सरकार जो है वो छात्रों को वापस नहीं लाना चाहती थी, उसके बाद खैर लेके गई, लेकिन जिस तरह से यूपी सरकार भी श्रमिकों के मुद्दे पर इसी तरह से घेर चुकी राजस्थान सरकार को, वैसे अब बिहार की सरकार भी घेर रही है। आखिर क्या वजह हो सकती है कि इन मुद्दों पर, ट्रेन या बस के मुद्दों पर इस तरह से घेरा जा रहा है राजस्थान सरकार को? राजस्थान सरकार के अच्छे काम से सब परेशान है। राजस्थान एकमात्र ऐसा राज्य है जिसने पूरे देश में श्रमिक बसें चलाई है, फ्री ऑफ कॉस्ट हम बच्चों को मजदूरों को लेकर जाते हैं। मजदूरों के लिए 15 करोड़ रुपए हमने खर्च किए, यूपी और बिहार के मजदूरों को भी छोड़ने के लिए 15 करोड़ रुपए महत्व रखता है। हमारे यहाँ ना कोई लाठीचार्ज हुआ, ना कोई प्रॉब्लम हुई। मजदूर जो पैदल जा रहे थे, दूसरे राज्यों से निकल के हमारे राज्यों से जा रहे थे, उनको भी हमने सेंटरों पर ठहराया, खाना खिलाया, व्यवस्था की, चप्पल जूतों की सब, फिर बस में बैठाया, किसी को बस से छोड़ा, किसी को ट्रेन से, पूरा व्यवस्थित काम किया। उत्तर प्रदेश में स्थिति हम बिगड़ गई, वहाँ मजदूरों की डेथ हो गई एक्सीडेंट में, मजदूर परेशान हो गए, पूरा देश उनको दिखा रहा है। बिहार में हो गए, फिर भी हमने कोई चार्ज नहीं लगाया। लेकिन बिहार और उत्तर प्रदेश की सरकार लगातार झूठ इसलिए बोल रही है क्योंकि वो खुद अपने अपराध बोध से ग्रस्त है। तो राजस्थान सरकार की कोशिश शुरुआत से रही है कि जो मजदूर और जो स्टूडेंट्स फंसे हैं उन्हें उनके घर वापस भेजा जाए, हालांकि राजनीति और बयानबाजी लगातार इस पर हो रही है। बहुत बहुत शुक्रिया प्रताप सिंह जी हमसे जुड़ने के लिए और बात करने के लिए। वहीं इस पूरे मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हमारे संवाददाता नवेंदु सिन्हा पटना से। नवेंदु, तो अब जो स्टूडेंट्स जो कोटा में फंसे हुए थे लॉकडाउन की वजह से, उनके वापसी पर भी अब जो है बवाल कट रहा है, बयानबाजी हो रही है कि राजस्थान सरकार ने पहले पैसे जमा कराए उसके बाद ही स्टूडेंट्स को वापस आने दिया, क्या कुछ इसके पीछे नजर आ रहा है आपको? आकांक्षा, देखें, बात तो है कि इसके पीछे राजनीति महत्वपूर्ण है अभी, और लॉकडाउन 31 तारीख का इंतजार हो रहा है, लेकिन राजनीतिक गतिविधियां और राजनीतिक बयानबाजी ये दोनों शुरू हो गई है चूँकि बिहार में चुनाव होने वाला है। तो उस लिहाज से इसके राजनीतिक निहितार्थ को समझा जा सकता है कि अभी के मौके पर डिप्टी CM सुशील मोदी ने ये बात क्यों उठाई। कोटा से छात्र आ चुके हैं, मजदूर भी जो प्रवासी हैं वो आ चुके हैं, और देखिए आज कांग्रेस के नेता प्रेमचंद मिश्रा हैं, उन्होंने बहुत साफ किया आज की लगभग जो है वो 60,000 लगभग प्रवासी श्रमिकों को राजस्थान ने भेजा है बिहार, और बिहार ले आया है उन श्रमिकों को, और इसके लिए लगभग जो है राजस्थान सरकार के 3.5 करोड़ रुपये जो है उसके खर्च हुए हैं। तो ये कांग्रेस नेता का बयान है जो बिहार के कांग्रेस नेता ने दिया है। लेकिन देखिए, सवाल ये है कि कोटा का जो इशू था, कोटा के छात्रों का, और जो दबाव जिस तरीके से बढ़ रहा था बिहार की सरकार पर, बिहार सरकार साफ कर चुकी थी कि वो छात्रों को नहीं लाएगी, जो जहां है वहीं रहे, लेकिन जिस तरीके से आंदोलन होने लगा और बिहार में भी आवाज़ उठने लगी, तो फिर बात हुई कि उन छात्रों को लाया जाए। तो छात्रों को राज्य ले आ रहे थे, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी ने पहले ही कहा था कि हम वो छात्रों को लाएंगे। योगी ने बिहार को यह भी कह दिया था कि आपको भी बस चाहिए तो आपको भी हम भेजवा देते हैं, लेकिन तब बिहार ने इनकार किया। तो जिनको, जिन प्रदेशों के छात्रों को लाना था या प्रवासियों को लाना था, उन प्रदेश के सरकारों ने इसके लिए उपक्रम किया है, उपाय किया है। अब ये उपाय बिहार सरकार ने भी किया, अगर उसके पैसे भी खर्च हुए तो उस खर्च को अब वो राजनीति का मुद्दा बनाना ये उचित नहीं है। इसलिए कि एक बात देखिए साफ है, पहली ट्रेन जो चल कर आई जब जयपुर से पटना, वो प्रवासी श्रमिकों को लेकर के आई, और उस ट्रेन के आने जाने में जो भी खर्च हुए नहीं हुए, लेकिन सामने जो तस्वीर आई कि जो प्रवासी श्रमिक है उन्होंने दिखाना शुरू किया कि देखिए हमारा ये रेल टिकट लगा है इतना, 1,000 रुपये का, 50 रुपये का, 1,050 रुपये का। तो इस तरीके से तब बात ये हुई कि ट्रेन टिकट भी छात्रों के तरफ से लिया जा रहा है, प्रवासी श्रमिकों की तरफ से लिया जा रहा है। तो वैसे में नीतीश कुमार ने एक बात स्पष्ट की थी कि जिनके टिकट लग रहे हैं तो कहीं ना कहीं आने में, वहां से जो बिहार में चुनाव है उनके उनके जो चुनाव है उसके शुरुआत कहीं ना कहीं राजनीतिक बयानबाजी से अब शुरू हो चुकी है, ऐसा माना जा सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। वही केंद्र ने कोरोना को कंट्रोल करने के मामले में जयपुर समेत 4 शहरों को रोल मॉडल चुना है। 3 दूसरे शहर इंदौर, चेन्नई और बेंगलुरु भी इसमें शामिल हैं। कुछ दिन पहले केंद्र ने कोरोना के सबसे ज्यादा संक्रमित और न्यूनतम मृत्यु दर वाले शहरों के नगर निकायों के साथ बैठक की थी। इसमें पाया कि जयपुर और इंदौर ने संक्रमितों के बढ़ते आंकड़ों को कंट्रोल किया है। जयपुर ने सुपर स्प्रेडर्स जैसे फल सब्जी और किराना वालों को
सीमित संख्या में लाइसेंस दिए ताकि फेरी वालों से घरों तक संक्रमण ना पहुंचे। हाई रिस्क ग्रुप के लोग थे उनको आइडेंटिफाई किया गया, आई लाइक केसेस को आइडेंटिफाई किया गया। आज भारत सरकार ने तारीफ की है जयपुर की, देश के चार महानगरों में जहां सबसे बेहतरीन काम हुआ कोरोना की महामारी को कंट्रोल करने में, उसमें जयपुर का नाम आया। तो आज इतनी थिकली पॉपुलेटेड एरिया को जब हम कंट्रोल कर पाए, फिर बढ़ते हुए जो पॉजिटिव केसेस हैं इनको भी हम कंट्रोल कर ले। हमारे साथ जयपुर के CMHO नरोत्तम शर्मा जी जुड़ गए। नरोत्तम जी, आपका स्वागत है स्वराज राजस्थान में। केंद्र सरकार ने कोरोना कंट्रोल के मामले में जयपुर को एज अ मॉडल सेलेक्ट किया है, क्या मॉडल जयपुर का रहा है जिससे कोरोना के संक्रमण को रोकने में मदद मिली है? जी, हमारे रामगंज एरिया जो थिकली पॉपुलेटेड एरिया है, बहुत कंजेस्टेड एरिया है, जब बहुत ज्यादा पॉपुलेशन रहती है वहां पर, जब इसका प्रसार हुआ तो हमने, हमारी टीम ने सब वहां पर करे, हमने थ्री लेयर सिस्टम बनाया। पहले हमने सर्वे स्क्रीनिंग कराई, स्क्रीनिंग कराने के बाद 7 साल से ऊपर लोग हैं, INI पेशेंट हैं, जो पेशेंट पॉजिटिव कॉन्टेक्ट हैं, बच्चे हैं, प्रेगनेंट लेडी है, उनको अलग किया। सबके पल्स ऑक्सीमीटर द्वारा उनकी सबकी जांच कराई गई, उनको अलग करके जो भी जरूरी था उन सबकी जांच कराई गई। जांच करके हमने पेशेंट पॉजिटिव पेशेंट और कॉन्टैक्ट को अलग क्वारंटाइन किया। यही कारण है कि उसमें जितने हमारे यहाँ पर जो ये चैन थी वो टूटी वहाँ पर, और आज हमारे यहाँ पर काफी कम संख्या में पॉजिटिव पेशेंट हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया नरोत्तम जी हमसे जुड़ने के लिए और बात करने के लिए। वहीं भारतीय जनता पार्टी की ओर से सोशल डिस्टेंसिंग का मुखौल उड़ाने की तस्वीरें सामने आई हैं। दरअसल मौका था एक आयोजन का जो BJP की ओर से किया गया था। दिवंगत लोगों की अस्थियों को लेकर एक बस हरिद्वार रवाना की गई थी। इस दौरान प्रदेश के कई बड़े नेता वहां मौजूद थे। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पुनिया और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अशोक परनामी भी वहां पर थे। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से अस्थि विसर्जन के लिए जो बस रवाना की गई उसमें ना सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया गया, कई लोग यहां बिना मास्क लगाए भी नजर आए। आपको बता दें कि कोरोना की लड़ाई में सबसे अहम सोशल डिस्टेंसिंग को माना जा रहा है, लेकिन यहां पर भाजपा के नेता साफ तौर पर लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग का मुखौल उड़ाते नजर आए। ये बस जिससे अस्थि विसर्जन के लिए रवाना होना था, यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग का बिल्कुल भी पालन नहीं किया गया। उधर कांग्रेस ने लॉकडाउन से प्रभावित लोगों के खातों में नगद पैसा ट्रांसफर करने की मांग तेज कर दी है। राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद CM अशोक गहलोत ने ट्वीट करके राहुल गांधी की ओर से उठाए गए मुद्दों का समर्थन करते हुए केंद्र सरकार पर सवाल उठाए हैं। अशोक गहलोत ने लॉकडाउन से प्रभावित लोगों के खातों में पैसा ट्रांसफर करने की मांग की है। वहीं कांग्रेस की तरफ से कल सुबह 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक सोशल मीडिया पर एक अभियान चलाया जाएगा। इस अभियान के तहत केंद्र सरकार देश की जनता को नगद राशि देकर आर्थिक मदद करने की मांग की जाएगी। राजस्थान के उप मुख्यमंत्री और प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष सचिन पायलट ने कहा कि टैक्स के दायरे से बाहर रहने वाले व्यक्तियों के लिए 10,000 रुपये उनके खाते में जमा कराने की मांग की जाएगी। साथियों, कल सुबह 11 बजे से लेकर 2 बजे तक अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने निर्णय लिया है कि देश भर में हम डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर, सोशल मीडिया पर सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी और तमाम जो नेता कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, हम सब एकत्रित होकर 2-3 मुद्दे विशेष रूप से उठाएंगे। सबसे पहला तो राहुल गांधी जी बहुत समय से कह रहे हैं कि अब लॉकडाउन 4 के बाद ये हालात पैदा हो गए हैं कि तमाम कोशिशों के बाद भी जो सबसे गरीब तबका है उन तक आर्थिक मदद नहीं पहुंची है। केंद्र सरकार बहुत डामाडोल कर रही है, बड़ी बड़े घोषणाएं कर रही है, पैकेजेस का ऐलान कर रही है, लेकिन गरीब के हाथ में पैसा नहीं पहुंचा। तो हमारी डिमांड ये है कि प्रत्येक गरीब के खाते में 10,000 रुपये हम लोग सीधा केंद्र सरकार को फोर्स करेंगे कि वो लोगों को दे। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन लौट रहे हैं। C
सपने सच तब होंगे जब आप सपने दिखना शुरू करेंगे। ये शब्द हैं उस शख्सियत के जिसके सपनों ने दी इस देश को एक नई उड़ान, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। और ऐसे ही हर स्टूडेंट के सपने पूरे करेंगे हम अंडर बेस्ट गाइडेंस ऑफ एक्सपर्ट फैकल्टी टीम। एडमिशन ओपन इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ह्यूमैनिटीज, सोशल साइंस, आर्ट्स एंड स्पोर्ट्स, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम यूनिवर्सिटी, इंदौर। फर्दर डिटेल्स कॉन्टैक्ट 1-800-300-26072। स्ट्रीम कोई भी हो, बेस्ट करियर ऑप्शन के लिए है भाभा यूनिवर्सिटी। बेस्ट फैकल्टी, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर, स्कॉलरशिप्स, हाईटेक लैब्स, 27 acres ऑफ लश ग्रीन कैंपस, हॉस्टल फैसिलिटी। एडमिशंस ओपन फॉर इंजीनियरिंग, फार्मेसी, डेंटल, कंप्यूटर एप्लीकेशन मैनेजमेंट एंड एग्रीकल्चर। भाभा यूनिवर्सिटी एट होशंगाबाद रोड, भोपाल। कॉल 9165025500। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कोरोना से निपटने की रणनीति और नतीजों का जिलेवार अध्ययन करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि रिसर्च के नतीजों से भविष्य में इन्फेक्शन से निपटने की बेहतर योजना बन सकेगी। गहलोत ने मंगलवार को CM निवास पर समीक्षा बैठक में कहा कि विशेषज्ञों को आने वाले दिनों में संक्रमित बढ़ने की आशंका है, इसलिए ऐसे में पुख्ता प्रबंध रखें। राजस्थान में बुधवार दोपहर 2 बजे तक राजस्थान में कोरोना के 144 नए केस सामने आए। इनमें सबसे ज्यादा केस झालावाड़ में 64 केस देखने को मिले। कोटा में 18, जयपुर में 15, जोधपुर में 13, नागौर में 12, भरतपुर में 8 केस सामने आए, जबकि सीकर में 7 केस, झुंझुनू में 2 केस, जबकि भीलवाड़ा, बीकानेर, दौसा, डूंगरपुर और करौली में 1-1 कोरोना के केस सामने आए। वहीं राज्य में अब तक 3.5 लाख से ज्यादा सैंपल ले जा चुके हैं, जिनमें से 7,680 मामले पॉजिटिव पाए गए हैं। तो आपको बता दें कि राज्य में आज कुल 144 केस सामने आए, जिनमें से जयपुर में 15 केसेस, कोटा में 18 केसेस, वहीं जोधपुर में 13 केसेस सामने आए हैं। जबकि आपको बता दें कि 3.5 लाख से ज्यादा सैंपल्स अब तक लिए जा चुके हैं। नागौर की बात करें तो नागौर में 12 केसेस कोरोना पॉजिटिव के सामने आए हैं। वहीं इस पर क्या कहना है स्वास्थ्य मंत्री का, आइए सुनते हैं। बारीकी से माइक्रो मैनेजमेंट किया जा रहा है। जहां माइक्रो मैनेजमेंट होगा वहां चाहे पॉजिटिव केसेस बढ़े, लेकिन स्थिति को नियंत्रण करने की दिशा में भी हम आगे बढ़ रहे हैं। जोधपुर में जिस तरह से पॉजिटिव केसेस बढ़े थे पहले, आज वहां भी नियंत्रण में स्थिति। अब इन जिलों में, जिन जिलों में पॉजिटिव केसेस अभी बढ़े हैं रिसेंटली 1 तारीख के बाद में, ये भी नियंत्रण में आ जाएंगे। तो मैंने कहा कि राजस्थान चाक चौबंद है हमारी। अब रेलवे स्टेशन पे भी लोग आएंगे 1 जून के बाद में, तो बसों से भी आ रहे हैं, बाई रोड भी आ रहे हैं लोग। लोगों का आना जाना रुकने वाला नहीं है। सवाल ये है कि राजस्थान की तैयारी क्या है। उस तैयारी में हमारे स्वास्थ्य विभाग की जो टीमें हैं वो सतर्क हैं। हम एक्टिव सर्विलेंस का काम पूरा कर रहे हैं। ये सब चीजें इस बात का द्योतक है कि राजस्थान में चाहे केसेस बढ़ जाएं, लेकिन वो हमारे नियंत्रण से बाहर नहीं है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मुख्यमंत्री निवास पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए JNU हॉस्पिटल की COVID-19 मॉलिक्यूलर लैब का उद्घाटन किया। इस दौरान डॉक्टरों ने CM गहलोत को प्रेजेंटेशन के माध्यम से लैब के बारे में जानकारी दी। लेकिन राज्य सरकार ने इस महामारी को गंभीरता से लेते हुए सख्त कदम उठाए। प्रदेश में तेजी से टेस्टिंग सुविधा को बढ़ाया गया। राज्य में 15 जगहों पर टेस्टिंग लैब खोली जा चुकी है। कम समय में ये सब काम करना बड़ी उपलब्धि है। चुरू के राजगढ़ में SHO रहे विष्णुदत्त विश्नोई की खुदकुशी का मामला तुल पकड़ रहा है। जहां परिवार CBI जांच की मांग कर रहा है, वहीं सोशल मीडिया पर उनकी खुदकुशी का टैग ट्रेंड करने लगा है। विष्णुदत्त ने अपने सरकारी क्वार्टर में पंखे से फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी और सुसाइड नोट भी लिखा था, जिसमें उन्होंने दबाव की बात कही थी। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार अवधेश अकोदिया जी जुड़ गए। अवधेश जी, आपका स्वागत है।
चुरू के राजगढ़ में जो SHO हैं रहे हैं विष्णुदत्त विश्नोई, उनकी सुसाइड केस के बाद से लगातार मामला तुल पकड़ रहा है और उन्होंने एक दबाव की बात यहां पर कही है। आपको क्या लगता है, क्या वाकई इस तरह के दबाव की वजह से उन्होंने सुसाइड की होगी या ऐसी इस तरह के दबाव लगातार जो ऑफिसर्स उनके ऊपर बढ़ते जा रहे हैं? देखिए, आप भी जानते हैं और जो राजस्थान की DGP हैं उन्होंने भी स्पष्ट तौर पर कहा है कि जो पुलिस कर्मी होते हैं जिससे नौकरी ज्वाइन करते हैं उनको पॉलिटिकल प्रेशर अलग अलग तरह से झेलने पड़ते हैं। जहां तक विष्णुदत्त विश्नोई का सवाल है, वो जिस राजगढ़ थाने में पोस्टेड थे वो अपराध वहां पर काफी ज्यादा होता है, अपराध के लिए काफी बदनाम क्षेत्र को हुआ है क्योंकि हरियाणा बॉर्डर से लगता हुआ है तो अवैध शराब की बिक्री वहां पर खूब होती है। इसके अलावा कई गैंग वहां पर पनपे हुए हैं तो उनको जिस तरह की चीजें अब तक सामने आई हैं, एक एडवोकेट के साथ उनका इनकी जो बातचीत है व्हाट्सएप पर वो जो वायरल हुई है वो, दूसरा रोजनामचे में भी उन्होंने इस बात का जिक्र किया है कि मेरे ऊपर पॉलिटिकल प्रेशर है कई मामलों में। अब वो किन किन मामलों में है ये जांच के बाद ही स्पष्ट होगा, लेकिन जो CBI जांच की मांग हो रही है जी। वो पॉलिटिकल ज्यादा है क्योंकि BJP को एक बड़ा मुद्दा मिल गया है उस क्षेत्र में। कई बड़े नेता उस क्षेत्र से आते हैं BJP के, जैसे राजेंद्र राठौड़ हैं जो उपनेता प्रतिपक्ष है, वो लगातार सक्रिय हैं पहले दिन से ही, तुरंत वो मौके पर पहुंच गए थे। एक DYSP हैं, उनके साथ भी उनकी हॉटटॉक हुई थी इसी मामले को लेकर। तो ये कानून व्यवस्था से बड़ा मुद्दा बन गया है राजनीति का वहां पर। जी शुक्रिया अवधेश जी हमसे जुड़ने के लिए और बात करने के लिए। वहीं जोधपुर और कोटा में दो दो नगर निगम बनाने के मामले में राज्य सरकार ने आज राजस्थान हाई कोर्ट में जवाब पेश किया। जवाब में राज्य सरकार के इस निर्णय को पॉलिसी फैसला बताते हुए अदालत से हस्तक्षेप नहीं करने की अपील की। इस जवाब में कहा गया कि तीन जगहों पर दो दो नगर निगम के गठन का फैसला राज्य सरकार ने जनता के हित में लिया है, जो कि सरकार का एक नीतिगत निर्णय है जिसमें अदालत को हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं है। सरकार ने यह भी कहा कि लॉकडाउन की वजह से तीनों जगहों पर चुनाव नहीं हो पा रहे हैं, लेकिन राज्य सरकार अदालत के आदेश के मुताबिक अगस्त में चुनाव कराने को तैयार है। सरिस्का में बाघिन ने तीन शावकों को जन्म दिया है। जंगल में लगाए गए कैमरों में तीनों शावक अपनी मां के साथ घूमते दिखाई दिए। बाघिन ST12 दूसरी बार मां बनी है। इससे पहले सितंबर 2018 में इस बाघिन ने तीन शावकों को जन्म दिया था। रणथंभौर से बाघों की शिफ्टिंग से लेकर अब तक सरिस्का में 5 बाघ और बाघिनों और 3 शावकों की मौत हो चुकी है। सरिस्का में 2008 में सबसे पहले शिफ्ट किए गए बाघ ST1 की जहर देकर हत्या कर दी गई थी। बाघ ST11 की फंदा लगाकर शिकार किया गया था। इसी तरह लापता हुई बाघिन ST5 का भी सरिस्का में शिकार हो गया था। बाघ ST4 दो बाघों के बीच हुए झगड़े में घायल होकर मर गया। वहीं सरिस्का में सबसे बाद में रणथंभौर से लाया गया बाघ ST16 की चेक्यूलाइज करने के बाद मौत हो गई। वहीं इस बाघ को ट्यूमर के इलाज के लिए ट्रैंक्यूलाइज किया गया था। हमारे साथ मुख्य वन्यजीवी प्रतिपालक RN मेहरोत्रा जी जुड़ गए हैं, पूर्व मुख्य वन्यजीवी प्रतिपालक हैं। RN मेहरोत्रा जी, आपका स्वागत है स्वराज राजस्थान में। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगी कि जो ये जो शावकों का जन्म हुआ है, कितना महत्वपूर्ण सरिस्का के लिए ये घटना मानी जा सकती है? देखिए, सरिस्का अरावली का सबसे अकेला और अजूबा टाइगर रिजर्व है। भारत में अरावली श्रृंखला के ऊपर दूसरा कोई भी टाइगर रिजर्व स्थित नहीं है। रणथंभौर जो है वो एक दूसरी पर्वत श्रृंखला के ऊपर है, विंध्यन और अरावली के मिक्स एरियाज में है। ये इतना महत्वपूर्ण इसलिए भी है कि जो आपको जैव विविधता, जो बायोडाइवर्सिटी सरिस्का की है, वो आपको पूरे दुनिया में कहीं नहीं मिलेगी। क्योंकि कुछ पेड़ पौधे ऐसे होते हैं जो जिनको एंडेमिक्स कहा जाता है, वो सरिस्का में ही पाए जाएंगे। वो सरिस्का में, इसलिए उस जंगल को बचाने के लिए मैं तो समझता हूँ बाघों का कुनबा जितना बढ़ेगा, जितने ज़्यादा संख्या में हमारी बाघ होंगे उतना ही हेल्दी फॉरेस्ट सिस्टम होगा। और उस हेल्दी फॉरेस्ट सिस्टम में ये तो बहुत ही खुशी की बात है कि इसमें इन्होंने एस्टेब्लिश कर लिया है और खुद ही सेकेंड स्टेज पर ब्रीड कर रही हैं जी।
जी मेहरोत्रा जी, आप फॉर्मर आईएफएस हैं, प्रिंसिपल चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट हैं, साथ ही आपने सरिस्का में बागों की शिफ्टिंग का नेतृत्व भी आप ही ने किया था, तो क्या इस घटना के बाद जो ये शावकों का जन्म हुआ है, इसके बाद सरिस्का की अपनी एक टाइगर फैमिली हो सकती है, क्या हम इसकी उम्मीद कर सकते हैं? बिल्कुल, मतलब ये तो एस्टेब्लिश हो रहा है सरिस्का और पूरी तरह से सक्सेसफुल मॉडल हो गया है दुनिया में। आप शायद ये मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगा कि सरिस्का अकेला एक ऐसा टाइगर रिजर्व था वर्ल्ड में जहाँ पे टाइगर्स पूरी तरह से लुप्त हो गए थे और उसमें बाहर से लाके टाइगर्स को रीइंट्रोड्यूस किया गया था। ये अपने आप में अनूठा प्रयास था और इस प्रयास का नतीजा जो निकला है वो ये है कि आज हम देख रहे हैं कि वहाँ टाइगर्स एस्टेब्लिश हो गए हैं। मेहरोत्रा जी, ऐसे सजेशंस लगातार आते रहे हैं कि सरिस्का को टाइगर रिजर्व बनाने की जरूरत नहीं है, आपको क्या लगता है सरिस्का आखिर क्यों जरूरी है? अरे सबसे बड़ी बात तो यह है कि आप कोरोना आज देख लीजिए, अगर आपने सरिस्का को खत्म कर दिया, जरूरत नहीं है उसको हटा देंगे अगर आप, तो बहुत से वन्य जीवों को, बहुत से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को अपने घर से हाथ धोना पड़ेगा। दे विल बी ऑल माइग्रेंट्स, वो सब बाहर आ जाएंगे और आप फिर उसको कहीं भी किसी प्रकार से आज बचाव नहीं कर पाएगा ह्यूमैनिटी जो है अपने आप में। तो इसलिए जंगलों का जो रियल सेंस में जो फायदा होता है वो ये होता है कि वो अपने अंदर बहुत से जानवरों को स्थान देते हैं और रखते हैं, चाहे वो चमगादड़ हो जिसने कि कोविड फैलाया हो या दूसरे और जानवर हो। तो इसलिए ये तो मैं समझता हूँ कि बिल्कुल ही गलत सोच होगी अगर ये कहा जाए कि इकोसिस्टम में बैलेंस बना रहे, इसलिए सरिस्का बहुत जरूरी है और शावकों के जन्म के साथ एक अपनी सरिस्का की टाइगर फैमिली होने की उम्मीद यहाँ हम कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और बात करने के लिए। राजस्थान में भीषण गर्मी का दौर जारी है, कल प्रदेश का चुरू शहर दुनिया में सबसे ज्यादा गर्म शहर रहा, जहां अधिकतम तापमान 50 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया और ये सामान्य से 7.4 डिग्री सेल्सियस ज्यादा है। आज भी चुरू शहर का तापमान 50 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है, ऐसे में कह सकते हैं कि देश और प्रदेश में चुरू आज भी सबसे ज़्यादा झुलसने वाला शहर है। वहीं बीकानेर, गंगानगर, पिलानी, सवाई माधोपुर, जैसलमेर, जयपुर, बाड़मेर, सीकर, पाली, जोधपुर, अजमेर और उदयपुर में भी भीषण गर्मी और तीखी लू का दौर लगातार जारी है। सुराज राजस्थान की इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही, लगातार देखते रहिए सुराज एक्सप्रेस।